हेलो एवरीवन वेलकम टू वी साइंस अकेडमी सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर अल्केन सो व्हाट इज अल्केन अल्केन क्या होता है डैट इज कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ठीक है कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तब हम बोलते हैं डैट इट इज़ अ अल्केन ओके देन नेक्स्ट सी यर नंबर ऑफ कार्बन आइटम ठीक है यहाँ पर तो मैंने कॉलम बना के रखा है डैट इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम देन अल्के्केन नेम देन जनरल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ओके सो इफ द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज वन अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है वन है सो so, अल्केन का नाम क्या रहेगा अल्केन नेम विल बी मीथेन, ओके यहाँ पे रूट वर्ड मिथ रहता है और यहाँ पे हम सफिक्स लगाते हैं ए एन ई ए एन ई का मतलब क्या होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ओके दैट इट इज़ अ अल्केन दैट इज मिथेन ओके देन नेक्स्ट जनरल फार्मूला क्या होगा अल्केन का दैट इज सी एन एस टू एन प्लस टू ओके देन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर मिथेन सो so, यहाँ पर देखिए एन क्या होता number of carbon atom. So, number of carbon atom है नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम सो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं मीथेन में वन ठीक है तो एन के जगह पर हम वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा सी वन एच टू एन के जगह पर वापस वन पुट करेंगे देन प्लस टू ठीक है देन क्या आ जाएगा सी वन एच फोर ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी एच फोर डैट इज़ मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर मीथेन ओके देन नेक्स्ट इथेन नंबर ऑफ़ कार्बन टू रहेगा तो नेम रहेगा इथेन जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा सी टू एच टू इंटू टू प्लस टू सो मोलिकुलर फॉमूला क्या बन जाएगा यहाँ पर सी टू एच टू टू ज फोर प्लस टू सिक्स तो सी टू एच सिक्स ओके दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर इथेन ओके देन फॉर प्रोपेन नंबर ऑफ कार्बन थ्री रहेंगे सो जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा सी थ्री एच टू इंटू थ्री प्लस टू तो मोलिकुलर फॉमूला क्या बन जाएगा सी थ्री एच एट ओके okay, वैसे ही ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं फोर कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है तो जनरल फॉर्मूला रहेगा सी फोर एच टू इन फोर प्लस टू मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा सी फोर एच टेन ओके फॉर पेंटेन मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी सी फाइव एच ट्वेल्व ओके यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन के सीरीज़ है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है यहाँ पर क्या है एच फोर है तो फोर में टू ऐड कीजिए सिक्स मिलेगा सिक्स में टू ऐड कीजिए एट मिलेगा एट में टू टेन टेन में प्लस टू करेंगे तो ट्वेल्व मिलेगा ओके दैट इज मीथेन देन दिस इज इथेन प्रोपेन दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज पेंटेन मॉलिकुलर फॉर्मूला ओके स्ट्रक्चरल फॉमूला ड्रॉ कर लेते हैं फॉर मीथेन सो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं वन तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी नंबर ऑफ कार्बन वन ओके आपको पता है कार्बन की वैलेंसी फोर होती है ओके okay? कार्बन के चार बॉन्ड होने ही चाहिए ठीक है सो वैलेंसी अपने आ, क्या करती है कार्बन अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कंप्लीट करती है ठीक है सो लेट्स ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर मीथेन ओके सो यहाँ पे कितने कार्बन है यहाँ पे वन कार्बन है तो मैं यहाँ पे वन कार्बन शो करूंगी हाइड्रोजन कितने हैं फोर ठीक है four, आपको पता होगा कार्बन क्या है ट्रेट्रा वैलेंट होती है मतलब कार्बन की वैलेंसी फोर होती है तो कार्बन चार ही पौंड बनाते हैं ठीक है सो so, यहाँ पर रहेगा वन टू थ्री फोर ओके हाइड्रोजन को शो कर देंगे ठीक है मतलब एक कार्बन हो गए और फोर हाइड्रोजन ओके देन हम ड्रॉ करते हैं फोर सी थ्री एच एट कार्बन कितने हैं थ्री ठीक है थी? हम इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं डेट इज़ फॉर प्रोपेन कार्बन थ्री है सो वन टू थ्री ओके थ्री कार्बन हो गए हाइड्रोजन एट है सो so सबसे पहले तो हम सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ऐड करेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में बिकॉज इट इज़ अल्केन कार्बन टू तो कार्बन सिंगल बॉन्ड होने चाहिए ओके देन नेक्स्ट कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे चार बॉन्ड होने चाहिए तो ये कार्बन है यहाँ पर एक ही बॉन्ड है और कितने चाहिए थ्री इस कार्बन के पास दो बॉन्ड है और कितने चाहिए टू फोर हो गए यहाँ पर एक ही है और थ्री चाहिए ठीक है हाइड्रोजन को शो कर लेते हैं ओके okay? अब आप काउंट कर सकते हो कार्बन थ्री है और हाइड्रोजन काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डैट इज़ सी थ्री एच एट ओके नाउ ड्रॉ करते हैं सी फाइव एच ट्वेल्व के लिए डैट इज़ फॉर पेंटेन स्ट्रक्चरल फार्मूला ओके सो कार्बन कितने हैं फाइव सो so यहाँ पर मैं शो करती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव ओके देन सिंगल बॉन्ड ओके देन कंप्लीट कर लेते हैं हम वैलेंसी डैट इज़ कार्बन का एक बॉन्ड है और कितने 3 चाहिए थ्री चाहिए यहाँ पर टू यहाँ पर भी टू यहाँ पर भी टू यहाँ पर थ्री ओके कार्बन अपनी वैलेंसी किसके साथ शेयर करके कंप्लीट करती है हाइड्रोजन के साथ शेयर करते अपनी वैलेंसी कंप्लीट करती है ओके डैट इज यहाँ पे कार्बन हो गए वन टू थ्री फोर फाइव और हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन ट्वेल्व होंगे डैट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव नीचे फाइव डैट इज़ टेन एलेवन एंड ट्वेल्व ओके okay? सो so, आप ऐसे ही नंबर ऑफ़ कार्बन सिक्स के लिए भी ड्रॉ करते हो इज सिक्स के लिए अल्केन क्या रहेगा हेक्जेन, सेवन के लिए रहेगा हेप्टेन, देन फॉर एट ऑक्टेन नाइन नोने टेन के लिए रहेगा डेकेन, ठीक है सो so, ऐसे ही आप बाकी सब नंबर ऑफ़ कार्बन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो जनरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला ओके okay?